कराची के इलाके पीसीएचएस में घर की दहलीज पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान के कत्ल का मुकदमा भाई की मुदैयत में दर्ज कर लिया गया। मकतूल के भाई जानसेब का कहना था कि मकतूल की जुमेरात को शादी और हफ्ते को वलीमा हुआ था। मकतूल चार भाइयों में सबसे छोटा था। शाहरुख इत्तेफाक से घर में मौजूद था, अहलिया को मायके छोड़ने जाने वाला था। मकतूल के भाई का मजीद कहना था कि वाकये के वक्त घर के ऐन सामने बंकर में निजी सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था, लेकिन गार्ड ने कोई मजहमत नहीं की। गार्ड जो मौजूद था उसको मेरी वालदा ने चीख चीख के मदद के लिए पुकारा है, वो अंदर बैठा रहा बंकर के अंदर, नहीं निकल कर आया। जब मेरे भाई को गोली लगी है, निकल कर आया है, देखा है, फिर भाग गया है। उसके बाद से वो लापता है, ना कंपनी वाले बता रहे हैं। जिम सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड था और उसका अबू बकर नाम है उसका, जो हमने पता करवाया अपने उससे, अभी तक उसका पता नहीं है। मकतूल शाहरुख की नमाज जनाजा तारिक रोड रहमानिया मस्जिद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अजीज व अकारिब, शोरूम मालिकान और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तैमूर शकील, C110 न्यूज, कराची। C110 न्यूज, खबर की असल खबर।